क्वेश्चन है जेई एडवांस 2006 का क्वेश्चन, कह रहा है लेट हाइपरबोला पास थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 द ट्रांसवर्स एंड द कंजुगेट एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला कोइंसाइड विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द गिवन एलिप्स, आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटीज ऑफ गिवन हाइपरबोला एंड एलिप्स इज 1 देन। देखो आप यहां से क्या करो, इसका फोकस निकालो, तो क्या होता है प्लस माइनस a कॉमा 0। ठीक, अब आप क्या करो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर निकाल लो, यहां से कितना हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 बटा 25 मतलब 9 बटा 25, ई कितना आ गया 3/5, यहां से इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, ए कितना है 5, तो आपको सॉरी ये आपका ऐसे आएगा, तो फोकस आपका कितना आ गया प्लस माइनस 3,0। यहीं से कह रहा है आपका हाइपरबोला पास करेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक कंडीशन और दे रखा है कि एलिप्स का इसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 के बराबर, तो यहां से इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा 5/3। यहां से लिख लो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 25 बटा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 16, आपको बी स्क्वायर 16 आ गया। हाइपरबोला का इक्वेशन सिंपल सा y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक, ऑप्शन सी पढ़ो, द फोकस ऑफ द हाइपरबोला a कॉमा 0, a 3 है और e कितना है 5/3, तो फोकस आपका 5,0 बिल्कुल सही है। वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला इज 5/3, नहीं भाई वर्टेक्स आपका 3,0 होगा, ठीक है भाई 0 कर देंगे, तो ये आपका ऑप्शन डी क्या है गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ए और सी हुआ। तो इस कदर इसको बस सॉल्व करना था, जो गिवन था वो हमने किया, ये कंडीशन आपको एकदम बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये भाई मतलब फेवरेट कंडीशन में से है कि आप इसका फोकाई कहाँ होता है। ठीक है, तो यहां से करके हमने सिंपल सा निकाल लिया।